अस्सलाम वालेकुम बेटा अरीजा, ये देखो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसके अंदर आपको कहा गया है कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ ट्रेन इज स्टार्टिंग एट वन स्टेशन स्टॉपिंग एट द नेक्स्ट इज शोन, जो एक स्टेशन से स्टार्ट हो रहा है और दूसरे पे रुक रहा है, ठीक है। अनदर ट्रेन हैज डबल द एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन है वो डबल है, यानी कि अगर ये फोर पे कवर हो रहा था तो दूसरी की एक्सेलरेशन यहाँ पर आ जाएगी, ग्राफ स्टीपर हो जाएगा। बट द सेम मैक्सिमम स्पीड सेम है, यानी कि ये हाइट सेम रहेगी, एंड द सेम डिसेलरेशन, डिसेलरेशन का मतलब ये है कि जो ये ग्राफ है ये विद इन द टू पॉइंट से आएगा, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है। तो अब आपको इन्होंने पूछा कि विच वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑन द सेम स्केल शोज द मोशन ऑफ दिस ट्रेन बिटवीन द सेम स्टेशन। अब यहाँ आप क्या करोगे, बेसिकली ये ग्राफ अगर आप देखो तो आपको ये वाला ग्राफ लगता है कि यहाँ पर जो है वो एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे एंड हो रहा है, तो शायद ये वाला ग्राफ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहा कि सारे के सारे ग्राफ आप देखो, उन्होंने टू ब्लॉक्स मूव कर दिया, तो इसका मतलब है ये इसकी आइडेंटिटी नहीं है। आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको एरिया अंडर द ग्राफ निकालना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा स्टार्टिंग एट वन स्टेशन स्टॉपिंग एट द नेक्स्ट, ठीक है, और सेम यही दूसरे वाले के लिए हो रहा है। तो अगर वो स्टार्टिंग और स्टॉपिंग एट द सेम स्टेशन हो रहा है, तो हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी, ठीक है। अब आप देखो ये एक ट्राइंगल है आपके पास, ये एक ट्राइंगल और ये बीच में आपका रेक्टेंगल है। मैं ये बॉक्सेस अगर काउंट करती हूँ तो एट बॉक्सेस ये आते हैं और ये आपके पास फोर आते हैं। यहाँ पर आपके पास जो है वो फाइव बॉक्सेस हैं और ये जो है आपके पास टू बॉक्सेस हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो फर्स्ट वाला है, अगर मैं इसको एरिया ए कहूँ, इसको बी कहूँ और सी कहूँ, ठीक है, तो एरिया ए आपके पास ट्राइंगल का एरिया है हाफ 8 × 4 हो जाएगा, ठीक है। एरिया बी आपके पास जो है वो रेक्टेंगल है, 5 × 8 हो जाएगा, और एरिया सी आपके पास क्या है, अगेन ट्राइंगल है, तो हाफ 8 × 2 हो जाएगा। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो इसका टोटल एरिया आएगा, आपका इन तीनों एरियाज को ऐड करने के बाद आपके पास वो एरिया आएगा, आपके पास वो एरिया आएगा 16 + 40 + 40 + 8, और ये ऐड होकर 64 बनेंगे। अब जब आप इन ग्राफ्स को देखोगे तो इनके अंदर जो आपका ये ग्राफ बी है, इसका एरिया यही आएगा, क्योंकि ये वाला एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 8 × 2, ठीक है। उसके बाद ये वाला 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 × 5, और नीचे जो है आपके पास वो कितने हो जाएंगे, ये 6 × 8, ठीक है, ये 6 × 8 हो गया, यहाँ पर 48 आ जाएगा, और फिर ये हाफ इंटू 8 × 2 हो जाएगा। तो जब आप ये सारी वैल्यूज, ये और ये वैल्यू ऐड करोगे तो इसका आंसर भी 64 आएगा। तो इन दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम आएगी, जिसकी वजह से इसका ऑप्शन बी है, ठीक है।